नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीएनसी ऑपरेटर का जो रेज्यूमे होता है वो आप किस तरह से बना सकते हैं, कितने सिंपल स्टेप में आप जो है इस रेज्यूमे को डेवलप कर सकते हैं, यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा। और इसके अलावा आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताऊँगा जिनका अगर आप जवाब सही तरीके से देते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे आ जाइए, मैं आपको जो है एक रेज्यूमे का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एक सिंपल सा फॉर्मेट है, सुमित यादव का है। और आप अगर रेज्यूमे सिंपल सा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करिए, इस टाइप से बोल्ड लेटर में आप अपना नाम जो है टॉप पे लिखिए। उसके बाद देखिए ईमेल एड्रेस अगर आपका है तो लिख दीजिए, फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद देखिए अपनी जो लोकेशन है यानी जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, स्टेट और पिन कोड, तो ये जो है आपका हेडर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनके पास जो है 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी कंपनी में उन्होंने काम किया है, तो वो जो है अपना एक्सपीरियंस इस टाइप से लिखेंगे। देखिए सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर आपको जो है सबसे पहली कंपनी का नाम लिखना है जहाँ से आपने जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जनवरी 2015 से जनवरी 2018 के बीच में जो है मदरसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्होंने काम किया है और नोएडा में ये जो है कंपनी थी, तो सीएनसी वीएमसी ऑपरेटर की पोजीशन पर जो है इन्होंने काम किया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सीएनसी ऑपरेटिंग ऑफ मशीन का नाम लिख दीजिए कि किस मशीन को आपने ऑपरेट किया है और ड्यूरेशन यानी कितने महीने के लिए जो है आपने इस मशीन को ऑपरेट किया है। उसके बाद अगर कोई और मशीन आपने ऑपरेट की है इसी ड्यूरेशन में या एक से ज़्यादा मशीन्स ऑपरेट की हैं तो उनकी डिटेल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लिखना कैसे है, इस टाइप से जो है आप लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया है तो वो उसके नीचे जो है आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, फरवरी 2019 से लेकर प्रेजेंट यानी करंट कंपनी जो है अभी इनकी मिंडा स्पार्क प्राइवेट लिमिटेड है नोएडा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन्होंने वीएमसी ऑपरेटर जो है एज ए काम किया और वीएमसी मशीन की ऑपरेटिंग एंड सेटिंग का काम किया। ठीक है, वीएमसी मशीन फिक्सचर सेटअप, वीएमसी मशीन पे जो है फिक्सचर सेटअप का भी जो है इन्होंने काम किया, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर कोई एडिशनल आपने काम किया है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में आपको जो है अपनी क्वालिफिकेशन कुछ इस तरह से लिखनी है। सबसे पहले जो है आप अपनी ट्वेल्थ की क्वालिफिकेशन लिख दीजिए अगर आपने ट्वेल्थ किया है तो। ठीक है, उसके स्कूल का नाम लिख दीजिए और किस लोकेशन पे आपने जो है ट्वेल्थ किया है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद जो है आप अपने टेंथ की डिटेल लिख दीजिए कि किस ईयर में आपने जो है टेंथ किया है और कौन से स्कूल से आपने जो है टेंथ किया है, उसकी डिटेल लिख दीजिए। अब अगर बात करें सीएनसी सर्टिफिकेट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीएनसी का कोर्स किया हुआ है तो वो यहाँ पर मेंशन ज़रूर करिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जून 2017 से दिसंबर 2017 के बीच में जो है इन्होंने आरबीएम कैड सेंटर फरीदाबाद से जो है सीएनसी कैड कैम का जो है सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो सीखा हुआ है वो सीएनसी ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग ली है, सीएनसी टूलिंग किया है और ड्राइंग रीडिंग, तो ये जो स्किल इन्होंने यहाँ पर सीखे हैं वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। इसी तरह से आपने अगर कोई और एडिशनल कोर्स किया हुआ है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 2018 जून से लेकर जून 2020 के बीच में जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भिवानी से जो है इन्होंने आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड में जो है इन्होंने सर्टिफिकेट लिया हुआ, तो यानी आईटीआई कर लिया है। तो बहुत सारे लोग जो है डिस्टेंस के थ्रू जो है ये सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जॉब का ड्यूरेशन भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और सर्टिफिकेट का भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि डिस्टेंस से भी जो है आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जो है इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपनीज़ जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं उनमें जो है ये चीज़ मैटर नहीं करती है। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए स्किल की बात करते हैं कि क्या क्या स्किल्स आपने सीखे हैं, एडिशनली आपके पास क्या क्या स्किल्स अवेलेबल हैं, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। स्किल में लिख दीजिएगा सीएनसी ऑपरेटिंग ऑन एलएमडब्ल्यू ओकुमा हॉस मशीन या जो भी मशीन आपने सीखी है या ऑपरेटिंग की है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए।
सीएनसी सेटिंग ऑफ एलएमडब्ल्यू एंड हास मशीन, ठीक है, सीएनसी प्रोग्रामिंग बेसिक्स ऑन फानुक कंट्रोल, सीएनसी प्रोग्रामिंग आपने की हुई है फानुक कंट्रोल के ऊपर तो वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिए, या एडिशनल सीमेंस, हास, फेगर कंट्रोल, या जो भी कंट्रोल आपने सीखा है वो जो है यहाँ पर मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है। ऑटोकैड 2019 बेसिक, ठीक है। इसके अलावा ड्राइंग रीडिंग एंड क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट रीडिंग एबिलिटी, ये भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, प्रोग्राम करेक्शन एंड एडिटिंग नॉलेज। तो इस टाइप से कुछ और भी अगर आपके पास स्किल्स हैं तो वो यहाँ पर ज़रूर मेंशन करिए। उसके बाद जो है आपको देना होता है डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन में जो है आपको लिखना होता है आई डू हेयर बाई डिक्लेयर दैट अबव पार्टिकुलर्स ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन स्टेटेड आर ट्रू, करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ एंड नॉलेज, ठीक है। ये जो आपको डिक्लेरेशन देना होता है उसके नीचे जो है आपको डेट और सिग्नेचर डालना होता है। तो देखिए सीएनसी ऑपरेटर, वीएमसी ऑपरेटर का जो रेज्यूमे होता है बहुत ही सिंपल होता है, यहाँ पर जो है रेज्यूमे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। यहाँ पर आपको मैटर क्या करेगा, आपका इंटरव्यू ड्यूरेशन में जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो, और सवाल क्या पूछे जाएंगे, आपने कौन सी मशीन ऑपरेट की, ठीक है, क्या क्या वहाँ पर काम करते थे, यानी डेली एक्टिविटीज़ आपको बतानी होंगी। डेली एक्टिविटीज़ का पूरा चार्ट होगा कि आप जो है पहले क्लीनिंग करते हैं मशीन की, जो है पूरा क्लीन किया, उसमें जो है आपने फिक्चर को सेट किया, ठीक है, टूल लगाया, वर्कपीस लगाया, उसके बाद जो है आपने प्रोग्राम को रन किया, तो इसका जो पूरा प्रोसेस है वो आपको सीक्वेंस वहाँ पर बताना पड़ेगा। अगर आप किसी एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको जो है सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि आपका जो मशीन ऑपरेटिंग का प्रोसीजर है वो आपको बताना होगा। तो आपको क्या बताना है, आपको वहाँ पर बताना है कि आपकी मशीन के ऊपर एक जो है ऑपरेटर डेली एक्टिविटी चार्ट दिया रहता है, उसमें जो है सीक्वेंस वाइज जो है एक्टिविटीज़ लिखी रहती हैं, वही हमको फॉलो करनी होती हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपका जवाब होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम जो है वही एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमारे ऑपरेटर डेली एक्टिविटी चार्ट में मेंशन होती है, ठीक है। ऑपरेटर डेली एक्टिविटी चार्ट वो चार्ट होता है जिसके अंदर जो है आपको पूरी डिटेल में लिखा होता है कि क्या क्या आपको काम करना है। सबसे पहले आपको क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन करना होता है, कूलेंट चेक करना होता है, हाइड्रोलिक ऑयल चेक करना होता है, वर्कपीस अगर पुराना रखा हुआ है वहाँ पर आपको जो है पूरा वो एरिया क्लीन करना होता है, उसके बाद जो है आप वहाँ पर काम करने के लिए रेडी होते हैं, आप रॉ मटेरियल चेक करते हैं, फिर उसके बाद जो है अपनी मशीन को ऑपरेट करते हैं। तो इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है वो आपको पूरी की पूरी यहाँ पर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। सबसे पहली और बेसिक जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा वो यही होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है पूरा रेडी रहिए। ऐसा ही कुछ और सवाल भी होते हैं जो कि एमएनसी के जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे पूछते हैं। इसकी पूरी लिस्ट है वो मैं आपको किसी और टाइम पे आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है इंटरव्यूअर आपसे क्या क्या सवाल पूछता है। आप रेज्यूमे अपना प्रिपेयर करिए, इंटरव्यू के लिए हम जो है आपको आगे भी बताते रहेंगे कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।